सब्सक्राइब कीजिए फ्लाई योर सेल्फ चैनल इंग्लिश को अपनी जुबान हिंदी में सीखने के लिए। इन दिस वीडियो आई एम गोना टीच यू सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू टाइम। गाइज, अगर आपको इंग्लिश में समय बताना नहीं आता है या कुछ सेंटेंसेस बोलना आता है लेकिन कुछ नहीं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। और टाइम को जितना भी तरीके से बोला जा सकता है, आप उस हर तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकेंगे। Guys, how are you? Hope you all are good. In this video, I am gonna teach you some sentences related to time. Yes, you hear right. Today's video is based on time. So without wasting time on introduction, let's get started this video. Guys, अगर आपको English में समय बताना नहीं आता है या कुछ sentences बोलना आता है लेकिन कुछ नहीं, तो इस video को देखने के बाद आपका सारा confusion दूर होने वाला है। और टाइम को जितना भी तरीके से बोला जा सकता है, आप उस हर तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस वीडियो को बिना आगे पीछे किए आप देखते रहिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हम टाइम वाले सेंटेंसेस को कितनी तरह से बोलते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल नॉर्मल होता है जब हम बोलते हैं 10 बजे हैं, 2 बजे हैं, और ऐसे सेंटेंसेस हम में से हर कोई आसानी से बोल लेता है इंग्लिश में। दूसरा है जब हम बोलते हैं 10:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, और ऑलमोस्ट इस टाइप के भी सेंटेंसेस हर कोई इंग्लिश में बोल लेता है। तीसरा टाइप है जब हम कहते हैं कि 10:15 बजा है या 3:15 बजा है, और इस तरह के सेंटेंसेस कुछ लोग बोल भी लेते हैं लेकिन कुछ लोगों को परेशानी होती है। चौथा टाइप भी टाइप नंबर 3 जैसा ही है, जिसमें हम बोलते हैं 9:45 बजे हैं या 4:45 बजे हैं, और इस टाइप के भी सेंटेंसेस कुछ लोग बोल लेते हैं और कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। पांचवे टाइप में आते हैं वो सेंटेंसेस जिसमें हम बोलना चाहते हैं कि 10:05 हुए हैं, 2:17 हुए हैं। इस टाइप के सेंटेंसेज ऑलमोस्ट सभी बोलते हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली पूरी तरह करेक्ट नहीं बोलते हैं। छठे टाइप में हम बोलना चाहते हैं कि 10:12 बाकी हैं, 5:02 बाकी हैं, जो ऑलमोस्ट 99% लोग नहीं बोल पाते हैं। तो आपने देखा कि हम समय से रिलेटेड सेंटेंसेस को 6 तरह से बोलते हैं। एक तो करेक्ट टाइम होता है, दूसरा जब 12:30 होता है, तीसरा जब 1:15 होता है, ऐसे ही चौथा जब 9:15 होता है, और पांचवा जब 9:50 बताने होते हैं, और अंतिम जब 9:50 बाकी होते हैं। तो आइए अब हम इन्हें बारी बारी से पहले समझ लेते हैं, फिर ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखेंगे। टाइप नंबर 1, 10 बजे हैं, इट इज 10:00। 5 बजे हैं, इट इज 5:00। इस टाइप के सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, यानी आपने देखा जितना भी बजा है हम इट इज के साथ उसे लिखेंगे और उसके बाद ओ क्लॉक लिख देंगे, वेरी सिंपल। टाइप नंबर 2, 4:30 बजे हैं, इट इज 4:30। 8:30 बजे हैं, इट इज 8:30, यानी जितना बजा है उसके पहले 8:30 लिख देंगे। टाइप नंबर 3, 3:15 बजे हैं, इट इज 3:15। 7:15 बजे हैं, इट इज 7:15, यानी जितना बजा है उसके पहले 7:15 लगा देंगे। टाइप नंबर 4, 11:15 हैं, इट इज 10:45। 6:15 हैं, इट इज 6:15, यानी जितना बजा है उसके पहले 2:15 लिख देंगे। या आप याद रख सकते हैं कि 1:15 के लिए 1/4 के साथ पास्ट और 1/4 के लिए 1/4 के साथ 2 का यूज करना है। और अगर कभी आप भूल जाओ कि 1:15 के साथ पास्ट था या 2, या 1/4 के साथ 2 था या पास्ट, तो आप बस मेरी इतनी बात याद रखना कि हम पास्ट का यूज उसके लिए करते हैं जो गुजर गया होता है, यानी जो निकल गया। तो 1:15 का मतलब होता है कि 15 मिनट निकल गए हैं, जबकि 1/4 का मतलब होता है अभी 15 मिनट बाकी हैं,
तो बाकी के लिए टू यूज होगा और जो निकल गया यानी सवा के लिए हम पास्ट का यूज करेंगे। टाइप नंबर 5, 1:07 हुए हैं, इट इज 7:01। 2:20 हुए हैं, इट इज 20:02। यानी जितना बजा है उसके पहले जितने मिनट्स हैं उसे लिखकर पास्ट लिखना है। टाइप्स नंबर 6, 5:12 बाकी हैं, इट इज 12:05। 10:05 बाकी हैं, इट इज 5:10। यानी जितना बजा है उसके पहले जितने मिनट्स बाकी हैं उसे लिख कर टू लगाना है। तो आई होप आप हर तरह के सेंटेंसेस समझ लिए हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होंगे जहां आप बोलना चाहोगे कि 10 से थोड़ा बाद या 10 बजे से थोड़ा पहले, तो उसमें आप ए लिटिल बिफोर या ए लिटिल आफ्टर यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम एग्जांपल्स में समझेंगे। तो अब चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और टाइम रिलेटेड सभी तरह के सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम और अच्छी तरह से आपको इस टॉपिक को समझा सकें। एक्सरसाइज, आप आज सुबह कब उठे? When did you get up today? मैं सुबह 7:15 उठा। I got up at 7:15। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? What's the time by your watch? 10:15 हुए हैं। It's 10:15। 10:15 हुए हैं। It's 9:45। मैं वहाँ 11:30 पहुँचा। I reached there at 11:30। 9:05 हैं। It's 9:05। 9:05 हुए हैं। It's 9:05। हम यहाँ 10 बजे से थोड़ा पहले आए थे। We came here a little before 10। घड़ी में 11 बजे हैं। The clock has stopped 11। 10:10 हुए हैं। It's 10:10। हमें वहां पहुंचने में आधा घंटा लगा। It took us 30 minutes to reach there। घड़ी हर रोज 5 मिनट आगे हो जाती है। The clock gains 5 minutes every day। घड़ी हर रोज 5 मिनट पीछे हो जाती है। The clock goes back 5 minutes every day। करीब करीब सुबह हो गई है। It's almost morning। समय भागता है या समय के पर होते हैं। Time has wings। तो guys, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। आप हमारी वीडियो से सीखते हैं और जब अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट्स करके शेयर करते हैं तो हम वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं कि आगे हमें किस तरह की वीडियो आपके लिए लाना है। तो प्लीज़ 2 मिनट का समय निकालकर अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में आपको क्या अच्छा और क्या कमी लगी। तो ऐसी ही यूजफुल वीडियो को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें ताकि हम जब भी न्यू वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे आप तो इंडिया को बढ़ाओगे आप। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें। गाइज, अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए। और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। गाइज, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।